हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप बोलोगे किस तरह, जैसे यहाँ पर इस पेज के ऊपर आए हम लोग, एक ब्लॉग है और इसके ऊपर एडवर्टाइज आ रही है साइड में इस तरह। तो ये एडवर्टाइज किस तरह आ रही है और यहाँ पर क्या प्रोसीजर है इसका, एड क्यों आ रही है इस पेज के ऊपर। यहाँ पर हम कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहे इसे, तो फॉरगेट अबाउट दैट। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मैं आपको कि एक पेज के ऊपर इस तरह इन बिटवीन एड किस तरह आती है और इस एड के थ्रू आप रिवेन्यू किस तरह जनरेट कर पाते हो, इसी के लिए ये पूरा वीडियो मैं आपको दिखाने। तो चलो शुरू करते हैं प्रोसेस। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल एडसिन अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक है हाउ टू क्रिएट द गूगल एडसिन अकाउंट, और वहां से देखकर आप प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोसेस, लॉग इन कर लेना है इसे यूजिंग द साइन इन। पेज के अंदर लॉग इन हो रहा है। लॉग इन होने के बाद यहाँ पर आपको जाना है साइट के ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है पे, यहाँ पर साइट पे जाना है, साइट ऐड कर देना है, जैसे न्यू पे बोल देता हूँ। और यहाँ पर एक, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इस तरह एक darkxdata.com वेबसाइट मैंने अपलोड कर दिए, यानी ऐड कर दिए। यहाँ पर सेव बोलूँगा। सेव बोलने के बाद क्या होता है कि एक प्रोसेस, जैसे मैं इसे प्लीज डिलीट कर देता हूँ, स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, अभी तो मैंने कुछ प्रोसेस किया नहीं। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं इसमें, ऐड करेंगे यहाँ से यहाँ पर जाऊँगा और ये एक मेरा वेबसाइट है, इसके ऊपर मैंने कुछ पेज ऐड कर दिया राइट नाउ अंडर द डेवलपमेंट है। इसके ऊपर अगर जाने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने वीडियोज़ ऐड कर दिया है, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं ऐड करने वाला हूँ। जैसे सर्विसेज में जाऊँगा, यूट्यूब पेज के ऊपर जाऊँगा, अबाउट में जाऊँगा, यहाँ पर कॉन्टैक्ट आस के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी। जैसे मेरे पेज के ऊपर, प्रोफाइल पेज के ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पर सब ऐड वीड के पेज यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। अब मुझे क्या करना है कि इस साइट को ऐड कर देना है यहाँ पर, कंट्रोल वी, और जैसे ही ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पर इसे सेव कर देना है। जैसे आप सेव करोगे इस बटन को, गूगल एडसिन आपको क्या देगा, यहाँ पर एक टू ऑप्शन देता है। तो ये प्रोसीजर जो है ना, गेट योर साइट रेडी टू शो द एड, कॉपी पेस्ट दिस कोड बिटवीन योर हेड ओपन एंड हेड क्लोज इन बिटवीन, तो दोनों के अंदर वो ऐड करना है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा हाउ टू ऐड दैट। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले हेड के अंदर ये कोड पेस्ट कर देना है, कंट्रोल सी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी करने के बाद चले जाता हूँ जहाँ पर मैंने वेबसाइट बना कर रखी है, तो ओपन कर लेता हूँ उसे। यहाँ पर ओपन हो गए। अब सबसे पहले मैं आपको इंडेक्स पेज दिखाता हूँ, ओपन विद द ड्रीम व्यूअर। जैसे ड्रीम व्यूअर के अंदर ओपन होगा तो यहाँ पर हेड ऑप्शन जो होता है ना टॉप वेबसाइट में, अब आप बोलोगे हाउ टू क्रिएट द वेबसाइट, अगर आपको नहीं पता है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। चलो शुरू कर दे आगे। मैंने क्या किया है, गूगल ऐड कोड यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। जैसे मैं यहाँ पर रिटर्न अप ऑलरेडी मैंने पेस्ट कर दिया था, तो रिटर्न में अगर पेस्ट करता हूँ तो इसमें कोई चेंजेस है कि, यहाँ पर एक बार जनरेट होने के बाद कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम कोड वही होता है। एक बार एक साइट के लिए जनरेट हो गए आपके पेज के लिए, आप कितने भी टाइम कौन से भी पेज के ऊपर ऐड कर सकते हो, बट मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ मल्टीपल पेज के ऊपर किस तरह ऐड करना है। सभी सब पेज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फोटोस कॉन्टैक्ट्स डू इट न्यू, और इस मल्टीपल पेज हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसे कॉपी ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ से एक एक करके मैं वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूँगा। ये हो चुका है ओपन। अब मैं हर जगह पर इसे कर दूँगा पेस्ट। इंडेक्स के अंदर जाऊँगा, इसे कंट्रोल सी बोलूँगा, उसके बाद जाऊँगा डू इट न्यू पेज के ऊपर, थोड़ा स्क्रोल डाउन करूँगा, इसके यहाँ पर भी कर दूँगा इसे पेस्ट, यानी हेड यहाँ पर क्लोज हो रहा है तो इसके अंदर हमें इसे पेस्ट करना है। उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, जैसे स्क्रोल डाउन करूँगा, सेम प्रोसीजर यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ मैं ऑल पेज के ऊपर। तो हर जगह पर ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि ओके, हर जगह पर हर पेज के अंदर हमें इसे ऐड करना है। और यहाँ पर चले जाते हैं फाइल में और सेव टू ऑल। ड्रीमवीवर के ऊपर भी एक वीडियो मैंने बना रखा है, हाउ टू डाउनलोड, हाउ टू इंस्टॉल एंड हाउ टू यूज़ दैट, तो उसके ऊपर भी एक लिंक है, तो आप चाहो तो वो भी कमेंट कीजिए, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो अभी इसे कर दें हम सेव। सेव हो चुका है, मिनिमाइज़ कर देंगे। अब यहाँ पर ये प्रोसेस हो चुका है। अभी जहाँ से मैंने मेरा डोमेन परचेस किया है ना, वहाँ पर जाता हूँ। जैसे ही मैं domainindia.com के साइट पे जाता हूँ तो यहाँ पर हमें लॉगिन करना होता है। अब इसके ऊपर भी आपको नहीं पता हाउ टू क्रिएट द अकाउंट ऑन द डोमेन इंडिया, तो उसको भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो देन ईजी टू यूज़ दैट। फिर उसके बाद यहाँ पर क्लाइंट टू कनेक्ट विथ लॉगिन करना है। तो आप जीमेल से अगर आपने रजिस्टर कर रखा है तो जीमेल से आप लॉगिन कर सकते हो। इस तरह यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जैसे वेब होस्टिंग darkxdata, इस तरह का एक ऑप्शन आ जाता है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। नीचे जाना है, फाइल मैनेजर के अंदर जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर इस तरह एक पेज आएगा आपको, पब्लिक _HTML, इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है और अपलोड बटन के ऊपर क्लिक कर यहाँ से सारे के सारे पेज कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है।
पेस्ट में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। हमने फ्रीलांसिंग पेज के ऊपर कोड ऐड नहीं किया है, तो आई थिंक वी शुड रिक्वायर्ड इंडेक्स यूज़र प्रोफाइल डू इट न्यू, या इन सभी पेज को हम यहाँ पर कर देते हैं ओवर राइट। फ्रीलांसर पेज हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, तो आई थिंक इट इज़ रिक्वायर्ड यूज़र प्रोफाइल आई थिंक ऐड है, या दिस इज फ्रीलांसिंग। और यहाँ पर कोई कोड नहीं है, तो आपको समझ में भी आएगा कहाँ पर पेस्ट करना है। अगेन रिपीट दिखा रहा हूँ, तो यू इजी टू अंडरस्टैंड, इस तरह आपको पेस्ट कर देना है आपका कोड, और इसे कर देना है सेव फ्रीलांसर। अब मैं कर देता हूँ इसे क्लोज, क्योंकि फ्रीलांसर का पेज अगेन मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो वेयर इज़ द फ्रीलांसर कोड पेज, इसे कर देता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप। यस, ये हो चुका है अपलोड। अब यहाँ पर मैं और रिटर्न चले जाता हूँ, यहाँ से इसे कर देता हूँ क्लोज। इसे क्लोज करने के बाद यहाँ पर मैं रिपीट हो चुका है, इसे कर देता हूँ क्लोज, इसे कर देता हूँ रीलोड। रीलोड करने के बाद यहाँ पर देखेंगे हम साइट, और इसे कर देते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर आप हर एक पेज को चेक कर सकते हैं, हाउ टू मेक द पेज एंड हाउ टू ऐड दैट। तो यहाँ पर आप इसे मिनिमाइज कर दीजिए, उसके बाद इसका कुछ अभी रोल रहा नहीं, एक चीज़ रही है अपने गूगल एड्स इन अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर अगर देखोगे ना, गेटिंग रेडी टू यूज द अप्रूवल, बट यहाँ पर एड्स डॉट टेक्स्ट स्टेटस नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है, और यहाँ पर ऑप्शन आता है चेक द स्टेटस ऑन योर एड डॉट टेक्स फाइल। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, और यहाँ पर ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल दिखेगा। अभी मुझे क्या करना है, एड डॉट टेक ये यहाँ पर क्लिक करना है, और इसे कॉपी कर लेना है। तो आपको क्या करना है, जैसे इसे एक टेक्स फाइल के अंदर कॉपी पेस्ट करना है, और उसे सेव कर देना है उसी नाम से जिस नाम से उन्होंने यहाँ पर बोला है, एड्स डॉट टेक्स। कंट्रोल सी कर देना है, और यहाँ पर जाना है, सेव करना है फाइल को, सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, और आपकी जहाँ पर वेबसाइट है वहाँ पर जाना है, इंटरनेट डेटा डार्क एक्स पब्लिक, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसको नाम कंट्रोल वी, और कर देता हूँ सेव। अभी हो चुकी सेव। अब मुझे क्या करना है, ये कोड अपलोड कर देना है मेरे डोमेन के अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर। तो अपलोड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, अगेन साइट के ऊपर जाता हूँ, और यहाँ से जो टैग ऑप्शन एड्स टेक्स्ट है उसे कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और रिफ्रेश कर देता हूँ आपके पैनल को। जैसे मैं रिफ्रेश कर दूंगा, यहाँ एड्स डॉट टेक्स आ चुका है। अब इजीली गूगल को ही आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ओके यहाँ पर वेबसाइट है और रिव्यू करने के लिए बोला गया है, तो वहाँ से वो इजी रिव्यू कर पाएंगे और आपके साइट के ऊपर ऐड आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है, प्रोसीजर किस तरह है आपको एडवर्टाइजमेंट अपने पेज के ऊपर ऐड करने के लिए, ब्लॉग्स के ऊपर, मल्टीपल वेबसाइट पेजेस के ऊपर आप ऐड करा सकते हो, और मल्टीपल सोर्स से रेवेन्यू जनरेट करा सकते हो। तो यहाँ पर हम आप रुकने वाले, और जाने से पहले ये कहेंगे कि अच्छा लगा होगा वीडियो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। बाय बाय।